हेल्थ प्लस फ्रॉम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर दीप्ति सिंगला जी के साथ, जो कि MBBS MS ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी है और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। बेउलाद दंपतियों के लिए डॉक्टर दीप्ति सिंगला जी किसी वरदान से कम नहीं है। हमारी टीम ने डॉक्टर दीप्ति सिंगला जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान इनफर्टिलिटी के कारण और उसके निवारण के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर दीप्ति सिंगला जी के साथ। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मनाने जा रहे हैं डॉक्टर दीप्ति सिंगला जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ऑप्शन सेवाएं दे रहे हैं अपनी पंचकुला में। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि गायनी, जो किसी समय पर लोग, जो बच्चे का जन्म होता था तो वो काम करते करते बच्चों को जन्म दे देती थी लेडीज, और आज एक बहुत ही बड़ा, जब प्रेगनेंसी होती है तो सारा जो एटमोसफियर है, सारा फैमिली है, वो इंटेंगल होने लगी है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है ना कि वुमेन को इम्पोर्टेंस मिल रही है। पहले वुमेन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। यदि वो प्रेग्नेंट नहीं होती थी या फिर कोई प्रॉब्लम होती तो सेकंड मैरिज हो जाती थी, पर अब लोग उसके साथ देखते हैं, उसके साथ मतलब खड़े रहते हैं, उसकी हर तकलीफ सहन कर के साथ खड़े होते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। पहले लोग कहते थे ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ भी हो जाएगा, चलो ठीक है, लड़की लेडी है, उसको भुगतना पड़ेगा। पर अब उनको पता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हम उनके साथ खड़े हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो प्रेगनेंसी को अब निगलेक्ट नहीं किया जाता, उसको जिसको कहो उसके साथ खड़े हैं, उसकी हर प्रॉब्लम के साथ उनको हैंडल किया जाता है। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि वो सिनेरियो और अब का सिनेरियो, जैसे आपने बोला है उस समय पर लोग के पाँच पाँच छः छः बच्चे होते थे, आजकल एक प्रीशियस डिलीवरी है, और उसमें भी जैसे पहले तो हम देखते थे कि बहुत सारे अबनॉर्मेलिटीज़ जो है काफ़ी आती थी, और आजकल जो है पहले ही फीटल स्कैनिंग है, हर चीज़ का हम लोग पहले पता लगा सकते हैं। क्या कहने चाहेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया है उसमें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी प्रीशियस है तो हम लोग डॉक्टर्स भी हैं जो वो बहुत ज़्यादा नज़दीकी निगाह रख रहे हैं अपने, जो भी हमने जब वो कंसीव कर देती है लेडीज़ तो उसके बाद डॉक्टर हैं पूरी ज़्यादा केयर करते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली देखो मेडिकल साइंस ने इम्प्रूवमेंट की है तो उसकी वजह से ये चीज़ें होनी चाहिए, वरना एक लेडी के कई बार बच्चे अबनॉर्मल होते थे, कोई मेंटली रिटार्डेड, किसी के तीन तीन चार चार मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते थे, या फिर किसी के सारे निगलेक्ट होते थे। अब ये चीज़ें हम पकड़ पा रहे हैं मेडिकल साइंस की वजह से, उनको बता पा रहे हैं कि बच्चे कौन से अबनॉर्मल हैं, इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, अबनॉर्मलिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यदि या किसी को कंसीव नहीं हो रहा हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, वरना क्या होता था कि बच्चे पैदा होते रहते थे पर उनमें प्रॉब्लम्स आती थी, अब प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, मेडिकल साइंस ने इम्प्रूवमेंट की है तभी ये सब हुआ है। तो सर, जैसे आपने कहा कि कंसीविंग की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे कि जो पंजाब का ये क्षेत्र है और हरियाणा का जो क्षेत्र है, जिसमें आजकल इनफर्टिलिटी की जो है दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पहले के ज़माने में तो लोग छुपाते थे इन चीज़ों को, लेकिन आजकल लोग ऑनलाइन मीडिया के साथ अटैच हैं, मेल इनफर्टिलिटी में भी लोग आजकल पॉजिटिव होते हैं, बताते हैं कि पूछते हैं डॉक्टर के साथ, क्योंकि नॉलेज बहुत बढ़ गई है, ज़माना बड़ा वास्ट हो गया है। कोई समय था कि जब लेडीज़ को ही करते थे कि यही है, इसके लिए नहीं बच्चा हो रहा, इसके नहीं बच्चा हो रहा। देखो अच्छी बात है ये कि हमें कारण तक पहुंचने के लिए आजकल की नई जनरेशन रेडी है कि हाँ दे आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हस्बैंड है वो भी रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे साथ है। पहले इट वॉज़ ए मेल डोमिनेंट, टोटली मेल डोमिनेंट सोसाइटी कि मेल्स नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, पर अब लोगों को पता है कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। अब एक्चुअली उनका मैनेजमेंट आ गया है, उनको ट्रीटमेंट होने लग गया, तो लोग डर नहीं रहे हैं। पहले लोग डरते थे अपनी बात कहते हुए कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे घर वाले, नहीं हुआ तो मुझे ही ना बोल दें, या फिर लेडी डरती होती थी कि हाँ मेरी वजह से है, मतलब देन दे सेकंड मैरिज भी हो जाती थी उस टाइम पे। पर अब फीमेल्स की लाइफ इम्प्रूव भी हो गई है इसकी वजह से। एंड सर, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी के जो मेन कारण है, जिसमें हम PCOD की बात कर लें, हम उसके बाद अगर PCOD का ही एक बिगड़ा हुआ रूप अगर हम बात कर लें, एंडोमेट्रोसिस की बात कर लें, कई रीजंस हैं प्रेगनेंस जो इनफर्टिलिटी के, और सबसे जो मेजर रीज़न है कि आजकल यंग ब्लडेड जो लड़की हैं उनको PCOD आ रहा है, और उसके लिए आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे उनको चेंज करते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उनका खान पीन चेंज करते हैं, और उसके साथ मेडिसिन, आप बहुत सारे जो है पेशेंट्स हैं PCOD के, उनको एक नई ज़िंदगी दे चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखो PCOD एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। आजकल की जो जनरेशन है ना वो काम नहीं करती है बेसिकली, उनको सिर्फ खाना खाना है, जंक्स खाने हैं, हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी नील के बराबर ही है उनकी। तो उनको बेसिकली अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है जिसकी वजह से ये PCOD ना हो। और दूसरा आजकल कुछ और भी कारण है इनफर्टिलिटी के, जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं वी आर नॉट येट सेटल्ड, अभी हम वी आर नॉट रेडी फॉर द कंसेप्शन, मतलब सेटलमेंट कब आएगी। और लेट मैरिजेस, एक लेट मैरिजेस भी एक कारण है आजकल इनफर्टिलिटी का। पहले के ज़माने में 20-25 तक शादी हो जाती थी, आजकल 30-35 तक तो शादी ही नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा PCOD के लिए आप बोल रहे थे, तो PCOD में हमें बेसिकली लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। यदि हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, स्क्रीन टाइम कम रखेंगे, तो डेफिनेटली ये PCOD जैसी बीमारी नहीं होगी। सर एंडोमेट्रोसिस के लिए भी आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और बहुत सारे ऐसे केस आपने सॉल्व किए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एंडोमेट्रोसिस में एक जेनेटिक एंड हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसमें भी यही कहेंगे कि IVF वगैरह ही हेल्प करते हैं लेटर ऑन। यदि हम शुरू में अर्ली प्रेगनेंसी मतलब एज सुन एज यू गेट मैरिड ये ट्राई करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर नहीं तो IVF के थ्रू कंसीव करके इनमें फ़ायदा रहता है ऐसे पेशेंट्स में। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि आप सिंपल प्रोसीजर जैसे IUI है और सिंपल प्रोसीजर है उसके साथ, और कई कई बार छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है उसको लैप्रोस्कोपिकली आप लोग हैंडल कर लेते हैं और वो लोग कंसीव कर जाते हैं? हाँ जी, ये ऐसा होता है कि कई बार जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज है या फिर कोई ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है, इनमें ऑपरेट करके बेनिफिट्स तो है ही हैं। ऐसे पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं कि जिनको हम ऑपरेट कर लेते हैं, या फिर ट्यूबल हल्का सा ब्लॉकेज है, माइल्ड, ये चीज़ें ऑपरेशन के बाद पेशेंट कंसीव कर जाता है स्पॉन्टेनियसली। या फिर कई बार PCOD है, इनमें विद द मेडिकल ट्रीटमेंट इटसेल्फ पेशेंट कंसीव कर जाता है। बस अगर हम बात कर लें ट्यूबरक्लोसिस की, जो कि काफ़ी मतलब है इस एरिया में, क्या कहना चाहेंगे? और कई बार अनडिफाइंड रह जाता है, नहीं पता नहीं चलता कि ट्यूबरक्लोसिस है, टेस्ट में भी नहीं आता और आप लोग सिम्टम्स से ही उसको ले लेते हैं कि होगा, और वो लोग मेडिसिन खाते हैं और वो लोग आगे कंसीव कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत बार ऐसा होता है, पर पेशेंट के सिम्टम्स हम पेशेंट को ना सिर्फ आजकल ना लैब रिपोर्ट्स पे ही तोलते हैं कि लैब रिपोर्ट्स पे ये आ गया वही होगा, नहीं। TB एक ऐसा चीज़ है कि कई बार मिस हो जाता है, उसके लिए हमें कई बार एंडोमेट्रियल बायोप्सी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, पर वो थोड़ा जिसको कहो ऑपरेटिव प्रोसीजर है पेशेंट के लिए थोड़ा सा, जिसके थ्रू हम एंडोमेट्रियल TB इन यूट्रस हम फाइंड कर पाते हैं या मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू कर पाते हैं। पर कई बार पेशेंट्स को हमें उसको ट्रीट भी करना पड़ता है, पेशेंट को सिम्टम्स है, इवनिंग राइज ऑफ फीवर है, वेट लॉस की हिस्ट्री है और पहले भी कोई TB स्पाइन या फिर कुछ और कोई प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, तो हमें उनमें सोचना चाहिए इस चीज़ों के लिए। दस हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और उसके लिए भी आप कोई भी डॉक्टर हैं, कई डॉक्टर भी आपको बुला रहे हैं कि अरे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसको भी हैंडल करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाई रिस्क प्रेगनेंसी डेफिनेटली, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं, लेट एज पे प्रेगनेंसीज हो रही हैं और आजकल मेडिकल साइंस अवेलेबल है तो लोग उन चीज़ों को अपने घर पर ही नहीं रखते हैं, आते हैं डॉक्टर के पास हैंडल करवाने के लिए। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और थायराइड एंड ये तो बहुत ही कॉमन हो गया प्रेगनेंसीज़ में। सो ये चीज़ें इकट्ठी भी आती हैं तीनों चीज़ें मिलके, या फिर कई बार पेशेंट सीजर्स दौरा पड़ता है प्रेगनेंसी में उसके साथ भी आते हैं, या फिर ब्लीडिंग हो जाती है प्रेगनेंसी में इनके साथ आते हैं, तो ठीक है हैंडल हो जाता है, पर दे नीड प्रॉपर सेटअप एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आप पेनलेस डिलीवरीज के लिए भी माने जाते हैं और आपके जो अटैच हैं लोग पेनलेस डिलीवरी के लिए भी आप सेवाएं अपनी दे रहे हैं? हाँ जी, आजकल पेशेंट्स, आपने सही बोला, पेशेंट्स आजकल पेन ही नहीं सहन करना चाहते, वो कहते हैं कि मुझे पेनलेस डिलीवरी हो, मुझे पेन नहीं सहन करना डिलीवरी में। तो ठीक है ना, पेनलेस डिलीवरीज आर देयर, पर उसमें ना थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन का चांसेस कई बार बढ़ जाता है, तो हम पेशेंट को पहले ही बता के रखते हैं कि हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ जाएगा, यदि आप अपना सेल्फ एफर्ट्स लगाओगे तो बेटर है। पेनलेस में पेशेंट अपना एफर्ट नहीं लगा पाता, सेल्फ एफर्ट नहीं लग पाता, उसको यही नहीं पता होता कि मैंने पेन कहाँ लगाना है, तो कई बार उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, पर पेनलेस डिलीवरी is good, is better than cesarean। तो आज का सिनेरियो जिसमें हमारे बच्चे जो हैं जंक फूड्स खा रहे हैं जैसे आपने पहले बताया, और एक्सरसाइज का अभाव है उनमें,
क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें हम लोग इंडोर ज़्यादा हैं मोबाइल्स के ऊपर टैब्स के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे कि हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा और वही इंडियन खाना, वही पहले वाले जो लस्सी है और पहले वाले जो हमारा पंजाबी खाने थे, देसी खाने थे, क्या कहना चाहेंगे कि आज दूध जैसे है, पहले दूध से लोग नाक ऐसे करते, दूध की दूध नहीं मैंने पीना, तो ये चीज़ें जो हैं बेसिक जो चीज़ें हैं उनको फिर से अपनानी पड़ेंगी और अक्सर सैर जैसे पहले लोग टहलते थे वही चीज़ें, वही साइकिलिंग करनी। देखो हेल्दी फूड डेफिनेटली हमेशा बेटर ही रहेगा, जंक्स है, मैदा है, ऑयल है, घी, तेल, चीनी, ये चीज़ें आजकल लोग ज़्यादा खाने लग गए हैं, उससे डेफिनेटली उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और फिज़िकल एक्टिविटी तो ना के बराबर ही है, तो एक्सरसाइजेज ये सब तो करनी चाहिए, यदि हम ये सब करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, उससे आपको बीमारियाँ और ये सब कम होगा, बीमारियाँ एंड अदर प्रॉब्लम्स जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कम होंगे। दर्शकों आज हम बने हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ और फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डाटास, आपका हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं पंजाब प्लस का धन्यवाद करती हूँ।